क्रूजर. व्हाट्स योर नंबर? लैंड क्रूजर. माय नंबर इज 879. यू ड्राइवर लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस? या आई गिव यू ड्राइव. तेल नहीं दे सकता. अब ये पहली बार हुआ है हमारे साथ कि हम तेल लेने आए और ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया, ताकि यहाँ पे तो फ्यूल के लिए मना कर दिया गया हमें. आई थिंक एमी इज गोइंग टू द कॉप्स. सम कॉप्स हैव स्टॉप्ड. मोटरसाइकिल्स आर नॉट अलाउड ऑन एक्सप्रेसवे. हाँ भाई, अभी सामने एक पुलिस आ गई थी एंड सोचो बगल से रेल जा रही है. क्या तगड़ा नजारा आएगा ना. कि हार्ड है? हाँ थोड़ा हार्ड है. इला सल्पा कर ले साका. थोड़ा थोड़ा दो ना सबको. हाँ वही सल्पा सल्पा. सिद्धू मूसे वाला, ही इज लेजेंड. ही इज अ लेजेंड. ऑल शादी दे डू डांस. आफ्टर ड्रिंकिंग दे डू डांस ऑन दिस. टेस्ट 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 टेस्ट. हर जगह आता है 500 ml का बॉटल, यहाँ आता है 550 ml का बॉटल. अब इसका लॉजिक क्या है 50 ml एक्स्ट्रा देने का, मुझे को समझ में नहीं आता. बाकी मैंने सुबह सुबह यहाँ पे फ़ोन उठाया कि भाई अपने पास 3 bags है, उठा लो बैग नीचे रख दो. फ़ोन ही नहीं चल रहा. अब नीचे जाके रिसेप्शन पे बोलना पड़ेगा. अच्छी खासी धूप आई हुई है और यहाँ से हम कर रहे हैं चेकआउट. मैंने उनको बोला कि भाई मेरे पास सामान है. कह रहे बेल बॉय नहीं है हमारे पे. मैंने कहा बेल बॉय तो लेके गया था सामान. तो कह रहे नहीं वो तो 10 बजे आता है. मैंने कहा 10 बजे से पहले अगर कोई चेकआउट कर रहा है फिर नहीं, 10 बजे ही आता है. सही कहते थे तुम लोग कमेंट्स में, बहुत सही कहते थे. मैं भी साला तीनों लगेज लेके अकेले जा रहा हूँ. 3 bags. अरे रुक जाओ साले लिफ्ट. घटिया होटल का साला घटिया लिफ्ट. मूड खराब कर दिया बुढ़िया ने सुबह सुबह. The only thing that you can have here, otherwise कुछ नहीं मिलता भाई. यही यही है. Hello Ami, how are you? Hello for the camera. I'm good. I'm okay. Our new guide. Hi. Hi. आप ही के साथ ही गाड़ी पे. अच्छा चलो एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगा मैं जा कहाँ रहा हूँ. चल अभी तो पता ही नहीं चलता मैं जा कहाँ रहा हूँ. चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे. हाँ नहीं दिखाऊंगा एक चीज़ है. इसलिए रोहित भाई से मैं पासपोर्ट ले रहा हूँ तो अभी आपको बताऊंगा गाड़ी में. बस प्लस हमारा जो नंबर प्लेट है ना वो आ गया है. ज़ाइलो ज़ाइलो. हाँ सॉरी. ओके हाँ सिकुड़ दला ही नहीं. एल्टुरस एल्टुरस एल्टुरस. यहाँ पे लिखा हुआ है भाई स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो वाला तो एक्सवी मेरा सबसे नीचे ही है. 883 लैंड क्रूजर. व्हाट्स योर नंबर? लैंड क्रूजर. माय नंबर इज 879. 879 is that lucky number क्या? 889 वो बोलो ना. हो सकता है. स्क्रीनशॉट लेने? नहीं नहीं मैं ले लूँगा. भाई 879 हमारा नंबर है. 0003 तो नहीं मिला बट 879 is also good. सामान हमने लोड कर दिया खुद से. ठीक है पानी अब उठाएंगे. पानी उठाना पड़ेगा भाई. पानी कहाँ है? पानी है मेरे पास. पीछे पड़ा हुआ होगा. एप्पल है अपनी गाड़ी में तो अभी गाड़ी स्टार्ट कर देंगे और ये नंबर प्लेट हैंडी रखेंगे. ठीक है मज़ेदार भाई मज़ेदार. न्यू नंबर प्लेट की शुभ शुभ कामनाएं. भाई आज का जो हमारा डिस्टेंस है ना वो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर है. अरे यार ये ब्लैक क्यों आ रहा है? ये 500 किलोमीटर है. और देखो अभी अगर नॉन स्टॉप निकलते हैं तो भैया 8 घंटे 19 मिनट, मतलब मान के चलो कि अपने को 10 घंटे लगेगा. शाम तक रात में 8 बजे तक पहुंचेंगे. और आज हमारे साथ एक और गाइड ज्वाइन किया है उन्होंने, तो वो मेरी गाड़ी में जाएंगी. वो गाइड बेसिकली एमी अभी 2 दिन हमारे साथ और ट्रैवल करेंगी और फिर एक दूसरी गाइड जो मेन लैंड चाइना जब हम इंटर होंगे तो वो जो दूसरी गाइड है वो हमारे साथ ट्रैवल करेंगी. और तिब्बत रीजन के लिए एमी थी और अभी ये गाइड उनको इंट्रोड्यूस और हैंडओवर कर देंगी और ये गाइड हमारे साथ आगे तक ट्रैवल करेंगे जब तक हम चाइना में हैं. तो मिला जुला के आज की जर्नी अमेजिंग. इसको रीसेट कर देते भाई.
आज भी देखेंगे। आज वैसे ये कह रहे हैं कि आज 50% हाईवे अच्छा है और 50% हाईवे बहुत ज्यादा खराब। अब इनका बहुत ज्यादा खराब कितना बहुत ज्यादा होता है वो तो इन्हीं से पूछना पड़ेगा जब हम पहुंचेंगे। बाकी ये पानी मैंने लिया होटल से भाई, 3 युआन का मिला। तीन युआन पता है कितना रुपए होता है भाई? 500 ml का पानी का बॉटल 3 युआन। मेरा लग रहा है मेरा चूतिया कट गया भाई। वो लेडी भी अच्छी नहीं थी यार, 12.5 भाई, 37 rupees का ये पानी दिया है, 37 rupees का। ये काटा है मेरा। मैं ना एक दो लोगों से यहाँ पे बात किया, मतलब उनका बिहेवियर उतना अच्छा नहीं था। हाँ नहीं है, यहाँ पे बेलबॉय नहीं है, फिर पानी वाले यहाँ फोटो नहीं खींच सकते। मैं एक्चुअली पासपोर्ट का फोटो खींच रहा था, मैं बता रहा हूँ। मैं यूके वीज़ा के लिए ना, मेरे को यूके वीज़ा एक्सटेंशन के लिए मेरे को गौरव सर को पासपोर्ट का फोटोग्राफ भेजना था, तो वो मैंने उनके टेबल पर रख के, नहीं यहाँ फोटो नहीं खींचो, जबकि उनसे 3 युआन का पानी लिया मैंने, 37 rupees का साला। मतलब समझ रहे हो ये कितना, 80 rupees liter है, 80 rupees liter पानी ले रहा हूँ और तब भी फोटो नहीं, अब जबकि मैं उनका फोटो भी नहीं खींच रहा। मतलब वो बेसिकली ना उसके नीचे उनका ज्वेलरी वगैरह रखा था। तो भाई 10:10 और अपन निकल रहे, अपनी गाइड आ रही है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास है। गुड मॉर्निंग। ओके सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम। शैलन। ओके शैलन, सो वील बी ड्राइविंग almost 500 kilometers today. Yes. Wish us a happy journey. To bolo Shri Ambe Mat ki jai. You also say jai. Jai means something good will happen. Jai. Jai. Bhai, ye jo yellow rang ka hai na nozzle, ye sara petrol ka hai. Aur dekho upar likha hai 92. Aple ko 0 degree aur minus 20. Minus 20 ye green dikh raha hai. ये है -20 वाला डीजल, बट यहाँ पे 0 degree वाला दिख ही नहीं रहा है कहीं पे। सिटी में तो नेविगेट करना बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ पे ना इतने सारे सिग्नल्स है, इतने सारे ना कि उलबे उलझ के रह जाते, कोई गाड़ी पीछे फंस जाती है, कोई गाड़ी आगे निकल जाती है। मैंने बोला था ना भाई बिग बॉस ऑन व्हील्स है। अब आगे वाले गाड़ी बता ही नहीं रहे कि भाई राइट मुड़ रहा है कि लेफ्ट, और पीछे वाली गाड़ी कह रही है कि भाई बता तो दो, उस हिसाब से मैं लेन पे रहूंगा। तुम अगर लास्ट मोड में मुझे बताओगे लेफ्ट लेने के बाद, तो भाई मैं राइट से लेफ्ट कैसे लूंगा। तो मिला जुला के आटा माजी सटक ली, हम तो फॉलो करती। अपल सही है यार। अब यहाँ से ना पेट्रोल पंप जो लास्ट गए थे ना, वहाँ पे -20 वाला था, इसलिए वहाँ से डीजल डलवाया नहीं यार। अभी कहीं पे 0 वाला हो गया ना, 10 rupees liter देके एक्स्ट्रा क्या फायदा, -20 की वैसे भी इतनी ठंड तो है नहीं। डस दिस वाटर कॉस्ट? टू युआन। दे चार्ज्ड मी 3 युआन। आई न्यू दैट आई एम बीइंग फूल्ड। भाई ये आ गया जी हमारा फ्यूल स्टेशन, ये यूज पाइल वाला ही है, ठीक है। और यहाँ पे अपने को मिल जाना चाहिए, यहाँ पे भी 0 degree का बस एक ही ये है, अदरवाइज यहाँ पे पेट्रोल ज्यादा है, डीजल कम है। व्हाट इज ही सेइंग? यू ड्राइव अ लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस? या ही गिव यू ड्राइव अ लाइसेंस एंड ओके, वी नीड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर फ्यूल। बट लास्ट टाइम वी डिडंट शो द ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे तो अभी वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके गई है हमारी गाइड, तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कह रहे बहुत सारी गाड़ियाँ, तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हम तेल नहीं दे सकते। अब ये पहली बार हुआ है हमारे साथ कि हम तेल लेने आए और ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया। मान लो अगर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहता फिर हम कैसे भरवाते, नहीं भरवा सकते थे। और ये ग्रीन है भाई, ये डीजल है और वो पेट्रोल है, ठीक है। ये 95 पेट्रोल है और वहाँ पे 92 येलो कलर का होता है, येलो दिख रहा है, और ये है 95, ये है 0 degree डीजल। भाई ये जो नंबर है ना, ये पंप का नंबर है, मतलब नॉजल का नंबर है, तो भरने के बाद अंदर जाके जब बिल पेमेंट करना होता है ना, तो 6-5 जो भी नॉजल आप यूज़ कर रहे हो वो आप बता सकते हो। बाकी यहाँ पे तो फ्यूल के लिए मना कर दिया गया, हमें फ्यूल के लिए कहा गया भाई बिना ड्राइविंग लाइसेंस या नंबर प्लेट के आपको तेल नहीं दे सकते हम। भाई ये एड ब्लू है क्या है पता नहीं, डीजल एग्जॉस्ट गैस प्योरीफिकेशन फ्लूड, हाँ एड ब्लू है भाई, ये एड ब्लू मिल रहा है ना इधर, ये पता नहीं क्या चाइनीज में लिखा हुआ है, बट ये तो डीजल एग्जॉस्ट वाले एड ब्लू है। चलो पे कर देते हैं 220। अब जितनी देर में लोग आ रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे ना आप फॉरेक्स कार्ड ज़रूर कैरी करना, और फॉरेक्स कार्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी मैंने जो डीजल लिया ना वो 220 युआन का लिया, और मेरा जो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ वो डेबिट हुआ
2599 मतलब 2600 समझ लो 2600 रुपए, तो मेरे को पड़ा 11.81 और जो मैं कैश लेके आया था वो मेरे को पड़ रहा था 12.75 रुपए एक युआन का। तो मतलब ये ना ऑलमोस्ट एक रुपए का डिफरेंस आ गया, ऑलमोस्ट एक रुपए का डिफरेंस पर युआन आ गया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 200 युआन में मैंने 200 रुपए ऑलमोस्ट बचा लिए कार्ड से पे करके, प्लस कार्ड से पे करके थोड़ा सा कैश रहना चाहिए यार। हाईवे हाईवे पे लोग कार्ड नहीं लेते, बड़े सिटी में ले लेते, हाईवे हाईवे पे नहीं लेते, तो वहाँ पे कैश ही निकालना पड़ेगा। ये सामने आपको दुकान दिख रही है, हाँ ये आपकी दुकान है, वो लिखा नहीं रहता हाईवे के बगल में आपकी दुकान इधर है, ये आपकी दुकान है। यहाँ पे बहुत कम दिखती है, मतलब ऐसा नहीं जैसे गुड़गांव में अपना रहता है कि हर दूसरे मोड़ पे आपकी दुकान आपको मिल रही है, बट यहाँ पे ऐसा रहता है। हवा वाली दुकान, यहाँ पे ना पेट्रोल पंप पे ना हवा नहीं मिलता यार। और ना इस बार क्या पता चला है भाई, अभी तक तो हम पेट्रोल भरा रहे थे बिना पासपोर्ट के, बट अभी जहाँ पे भी हमें पेट्रोल, क्योंकि बड़े सिटीज में आ रहे ना, वहाँ पे पूरे प्रोटोकॉल फॉलो होंगे और हमें पासपोर्ट और अपना ड्राइविंग लाइसेंस और नंबर प्लेट तीनों चीजें चाहिए। भाई बहुत लेट हो गया, 11 बज गए और अभी हम सिटी एग्जिट कर रहे हैं। मतलब कहाँ 9:30 बजे हमने सोचा था कि 9:30 बजे हम निकल जाएंगे, बट मिला जुला के ना पेट्रोल पंप पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। बट दैट्स ओके, ड्रिप ट्रिप होती है ना, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। बट आज हमारा डिस्टेंस काफ़ी लंबा है, डिस्टेंस काफ़ी लंबा है। और उसको भाई ये गूगल कहाँ दिखा रही है, ये देखो हाँ कह रही पानी के ऊपर चल रहे हो। वो जो आपको सामने दिख रहा है ना, वो है पटोला पैलेस। कल सब लोग वहाँ गए थे, मैं बैठ के काम कर रहा था क्योंकि मेरे बहुत सारे व्लॉग्स पेंडिंग थे, तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा था। बाकी सब मुझे बता रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, बट दैट्स ओके, नेक्स्ट टाइम चाइना आएंगे अच्छे से करेंगे। मतलब मिनिमम 30 डेज तो चाहिए ही। अभी तो क्या है ना कि एक सिटी से दूसरे सिटी हमें चाइना एग्जिट करना है, इसलिए पूरा चाइना हमें क्रॉस करना पड़ेगा और 2 और दिन हम तिब्बत में रुकेंगे, उसके बाद मेनलैंड चाइना में एंटर करेंगे। This song is very famous in India. This song, wait. Very famous song in India. They play in all the shadi. All the marriages, they play this song. And everybody dance. Rock your body, kind of that. I still keep the dream of the Bahubali. A lot of good songs. Yeah. Bahubali 1 and Bahubali the second. Two. You have seen Bahubali? Yeah, I think both of them. Okay. And the music, I save it in my favorite music. Oh. Music. This song is also very good. It's a popular song. This is a very popular song. All shadi, they do dance. Uh-huh. After drinking, they do dance on this. Oh, we are still in Lhasa. Yeah, we're still in the city. I thought के Lhasa खत्म हो गया, भाई Lhasa बहुत बड़ा है भाई। हाँ, ये Lhasa ही है, Lhasa के। This is the outskirts of the city. Outskirts. भाई मेरे को लग रहा था कोई दूसरा शहर आ गया, but Lhasa ही है, काफी बड़ा है। भाई एक चीज आपको बताऊंगा, यहाँ से जो मैंने सिम लिया था ना,
वो अल्टीमेटली मैंने यूज ही नहीं किया बिकॉज उस पे ना जो इंटरनेट है ना उस पे YouTube, Instagram, Snapchat, WhatsApp कुछ भी काम नहीं कर रहा. तो बेसिकली मैं इंडियन जो सिम है ना वही यूज़ कर रहा हूँ. और अभी तक सिर्फ चाइना में, क्योंकि बाकी तो नेपाल में अपन होटल में सारा वो यूज़ करते थे. ये वाला जो फ़ोन है जो जिससे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको मैं प्राइमरली स्नैपचैट के लिए यूज़ कर रहा हूँ और दूसरे फ़ोन को अपलोड के लिए यूज़ कर रहा हूँ. और अभी तक टोटल मिला के मैंने 40,000 रुपये का डेटा यूज़ कर लिया है. 40,000 रुपये का भाई. रात में रील्स स्क्रॉल करने की भी तो बुरी आदत है ना भाई. इतना बुरा क्या लग रहा है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार. यहाँ पे अगर आपके पास इंडियन नंबर है ना तभी आप जाके व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सारी चीज़ें एक्सेस करते हो. चाइना नंबर लगा के आप ये सारी चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते. VPN नहीं चल रहा. अपलोड स्पीड मतलब ऐसा बुरा है ना. मेरे जो व्लॉग्स हैं अभी आप देख ही रहोगे कि ऑलमोस्ट 40-40 मिनट के व्लॉग्स बन रहे हैं. मेरे को एक व्लॉग अपलोड करने के लिए 6 घंटे लगते हैं. मतलब यहाँ पे डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड बहुत अच्छा है, बट जो अपना नंबर है ना उस पे जब यूट्यूब चलाते तो भाई बिल्कुल नहीं आता. I think Amy is going to the cops. Some cops have stopped. Yeah. She is taking a group visa. भाई यहाँ पे एक पुलिस वाले भैया ने रोक लिया. भैया ही है यार, काफ़ी यंग है. यहाँ के पुलिस बड़ी एकदम सॉलिड, एकदम किसी का पेट नहीं निकला रहता, एकदम टिच. तो अभी एमी को रोका, ग्रुप वीज़ा वगैरह देख रहे हैं वो. आई थिंक छोड़ दिया. एमी ऑल गुड, गुड. जाने बोलता है रोज इसको टल्ला दूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये मिलते ही बोलेगा कि भाई बंदी दिल वादे जैसे टल्ला हूं मैं. मोटरसाइकिल्स आर नॉट अलाउड ऑन एक्सप्रेसवे. हां भाई, अभी सामने एक पुलिस आ गई थी एंड हमें वापस से इस रोड पे आना पड़ा बिकॉज सामने था एक्सप्रेसवे और मोटरसाइकिल्स. कल तो हम निकल गए थे बट आज तुरंत पुलिस आ गई एंड फिर उन्होंने कहा भाई मोटरसाइकिल्स अलाउड नहीं है. तब मोटरसाइकिल्स हम इसी रोड से अब जाएंगे. अब हमें डिटोर लेना पड़ेगा, शायद हमारा जो टाइम है ना और ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो द टाइम विल इंक्रीज, आवर डेस्टिनेशन टाइम विल इंक्रीज. नेशनल रोड. ओके, नॉट एक्सप्रेस वे. भाई तो अब हम एक दूसरा हाईवे ले रहे हैं और इस हाईवे पे मैम बता रही है कि बहुत ज़्यादा ट्रक्स वगैरह होंगे क्योंकि ये एक्सप्रेस वे नहीं है और ये नॉर्मल हाईवे है जो पहले बना था. और उसी हाईवे पे बाइक्स अलाउड है और नॉर्मल हाईवे पे अलाउड नहीं है. चलो ठीक है, बाइक्स है छोड़ के तो जा नहीं सकते भाई, कि हम गाड़ी वाले हैं तो हम चले जाएंगे. नहीं, एक साथ ही जाएंगे. बट या ये रोड वैसा नहीं रहेगा, मतलब 6 लेन हाईवे नहीं रहेगा और यहाँ पे वही सामने से गाड़ियाँ आती रहेंगी. कल जो मज़ा मिला था ना वो नहीं मिलने वाला. और आज आधे रास्ते के बाद मसाज रोड भी स्टार्ट होगा. मसाज रोड राइट. So many helicopters, like the dragonfly. Yeah, so many, 4 helicopters I can see. Yeah. Training going on? I don't know, it's for tour or something. It's for tour. श्रीनिवास सर जो गाइड है ना वो बता रही है कि 2 किलोमीटर बाद एक एंट्रेंस और है एक्सप्रेसवे के लिए, तो क्या हमें वो ट्राई करना है? ओके विकास, दे सेड ओके. ओके सर, ओके विल ट्राई दैट एंट्रेंस. ओके विल ट्राई दैट एंट्रेंस. ओके, यू टेल मी वेयर वी हैव टू स्टॉप. आई विल स्टॉप देयर सो दैट वी कैन ट्राई दैट एंट्रेंस. ठीक है, चल गए तो इसकी माँ का देखा जाएगा. फाइनली मैम ने जाके बात की एंड दे अलाउड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. भाई मोटरसाइकिल को भी अलाउ कर दिया. उनको समझाया उन्होंने कि हम लोग सब एक साथ हैं, एक दो लोग भितरामपुर नहीं जा सकते, सब एक साथ ही. कहाँ जा रहे हैं आज हम? आहो
आहो आहो वी आर गोइंग एंडोर एंडोर हाँ तो भाई एक साथ अलाउ कर दो और देखो भाई हम आ गए एक्सप्रेस वे पे फाइनली बाइक्स भी आ गई हमारी साथ में ये होता है भाई पूछ बात करने से बात बनती है मैम ने कहा मैं जाके बात करूंगी उनको समझाऊंगी एंड पुलिस ऑफिसर्स अच्छे थे यार उन्होंने अलाउ कर दिया एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के तिब्बत में जितने भी हाईवेज हैं वो सारे फ्री हैं मतलब जहां पे ना कोई टोल नहीं देना पड़ता बट चाइना जब हम एंटर करेंगे तो फिर हमें टोल देना पड़ेगा राइट चाइना वी हैव टू पे द टोल यस चाइना हमें टोल देना पड़ेगा तिब्बत में हमें कहीं भी टोल नहीं देना पड़ेगा देखो DPF रीजनरेशन इन प्रोसेस आ तो रहा है यहाँ पे अब ये कितना रीजनरेट होता है ना भाई कोशिश तो पूरी कर रही है बट वो रीजनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो बाद में ही पता चलेगा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और गाड़ी स्टॉप नहीं करेंगे और एक कांस्टेंट स्पीड पे अभी अपना RPM भी ना एक से भी नीचे RPM और हम फिलहाल 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मैंने क्रूज लगाया स्पोर्ट्स प्लस मोड पे भाई हमारे साथ में चल रही है रेलवे लाइन ये जो रेलवे लाइन आपको दिख रहा है ना ये अभी इस एल्टीट्यूड पे रेलवे लाइन बनाना भाई और ट्रेन चलाना मतलब भाई साहब काबिले तारीफ है यार हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू बिल्ड द रेलवे लाइन फाइव इयर्स पांच साल में भाई पांच साल में रेलवे लाइन मतलब पूरा इस एल्टीट्यूड पे वी मस्ट बी एट अराउंड 10,000-12,000 feet नाउ More than that? Yeah, 4,000 meters above sea level. The highest, the railway, highest place is more than 5,000. 5,000? Yeah, so it took a long time and difficult. मतलब वो बता रही है ना कि भाई जो हाईएस्ट रेल यहाँ पे नेटवर्क है वो 5,000 मीटर पे बना हुआ है 5,000 मीटर पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था उसको बनाना उसको कंस्ट्रक्ट करना मतलब रोड बनाना तो ठीक है भाई रेल बना दिया भाई क्या मतलब गजब है यार सोचो बगल से रेल जा रही है क्या तगड़ा नजारा आएगा ना बगल से अगर ट्रेन जा रही है भाई कल मैंने देखा था ट्रेन भाई क्या जबरदस्त है यार बहुत ही मार्वलस पीस ऑफ आर्किटेक्चर यार मार्वलस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी ये पता नहीं क्यों दिया है और स्पीड लिमिट देखो यहाँ पे अपना दिखा रहा है 100 दिखा रहा है कार के लिए और बसेस और ट्रक्स के लिए 80 तो अभी हमारी जो गाइड है वो बता रही है कि ये जो हाईवे है ना सिर्फ 3 साल पहले कंप्लीट हुआ है एंड जो रेल लाइन है ना मतलब ये एक्सप्रेसवे जो जिस पे अभी हम फिलहाल है और ये जो रेल लाइन है वो 5 साल पहले कंप्लीट हुआ है 2006 इट गॉट द रेल लाइन 2006 में कंप्लीट हो गया था भाई रेल लाइन और ये हाईवे तो एक्सप्रेसवे जो बना है अभी 3 साल पुराना ही है भाई क्या तगड़ा है ना पहले रेल आया फिर रोड आया अलग सा कलर दिख रहा है ना वो बार्ले की खेती हो रही है और सिर्फ हाई लाइंस पे होती है जबरदस्त है ना भाई क्या जबरदस्त लग रहा है ना और हमारा 100 का स्पीड ऐसा लग रहा है भाई कि जैसे 20 पे चल रहे हैं इतना मस्त हाईवे और वो दूसरे वाले पे रहते ना तो इतना मजा नहीं आता मतलब मजा आता लेकिन वो रोड थोड़ा ज्यादा खराब था और आगे जाके और ज्यादा खराब है अभी 268 किलोमीटर इसी हाईवे पे रहना है ना तो इतना कोई इश्यू नहीं है भाई गुरु 100 पे डाल के छोड़ दो एवरेज भी अच्छा रीजनरेशन भी हो रहा है सब चीज अच्छा चल रहा है बहुत तगड़ा भाई और देखो यहाँ पे देखो ब्रिज भी है मतलब दो ऐसे कनेक्ट करने के लिए ब्रिज भी ऐसा बना हुआ है क्या सही है ना ये देखो भाई क्या सही लग रहा है ना पता नहीं ये सिस्टम या जब आप फोन पे ये वीडियो देखोगे तो कैसा आएगा बट एक्चुअल आंखों से देखोगे ना तो बहुत ज्यादा सुंदर है इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल तो ये सारे ना जितने भी है ना ये सर्विस एरिया बेसिकली एक्सप्रेसवे पे रुकने के लिए जैसे अपने होते हैं ना तो ये सारे यहाँ पे आपको फ्यूल और सारी चीजें बताया हुआ है कि पार्किंग है फ्यूल है ये सारी चीजें हैं क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है तो हम ना कहीं भी नहीं रुक सकते तो हमें इसी सर्विस एरिया में अपना लंच प्लान करना पड़ेगा और ये सारी चीजें मैंने पीछे वॉकी से भी कन्वे कर दिया सो दैट एवरीबडी इज अवेयर दैट कि इस सर्विस एरिया में हम रुकना चाह अगर हमें रुकना होगा फ्यूल ब्रेक बायो ब्रेक एनी टॉयलेट ब्रेक दैट वी वॉन्ट वी कैन इस सर्विस एरिया में हम रुक के ले सकते हैं बाकी ठीक है यार पहला तो 32 है आई थिंक 100 वाला जो है ना उस पर रुक सकते हैं अभी तो जितना कवर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है बिकॉज जितना जल्दी पहुँचेंगे ना मैं स्पेशली मेरे लिए मैं काम कर पाऊँगा यार अदरवाइज फिर रात में पहुँच के फिर अगले दिन सुबह उठना ना 7:30 बजे भाई मैं 11-12 बजे उठने वाला आदमी हूँ
कल जितने टनल मिले थे ना आज भी मिलने वाले, लेकिन या ये थोड़े से ना ऐसे पतले दुबले से टनल है, मतलब ज्यादा बड़े टनल नहीं है। ये देखो, ये गाड़ी अगर सफेद स्ट्रिप पे चलाओगे ना तो बताती है आपको कि भैया आप दूसरे लेन में क्रॉस कर रहे हो। ये ऊपर वाला ये ब्रिज दिख रहा है भाई, ये रेलवे के लिए, ये रेलवे का ब्रिज है, ट्रेन लाइन है ये भाई, क्या जबरदस्त है यार। हाँ भाई, 12-13 हजार फीट पे आपको ऐसा रेलवे लाइन मिल रहा है, और देखो टनल वनल क्रॉस करते हुए ये लाइन अपने इसी रोड के पैरेलल चल रहा है। ये नीचे हमारे ना नेशनल रोड चल रहा है, ठीक है, जिस रोड पे पहले हम थे, ये एक्सप्रेसवे और ये रेलवे, या तीनों एक साथ ही चल रहे यार। नेशनल रोड में भी ना टनल्स आएंगे, एक्सप्रेसवे में मतलब दोनों साइड जिगजैग। हाँ, नेशनल रोड इज जिगजैग ना, 6 किलोमीटर एंड दिस इज व्हाट इज दिस 6 to 75 meters, दिस इज द एल्टीट्यूड। How long? Okay. 6 kilometer long tunnel, bhai. भाई मैं अभी मैम से पूछ रहा था कि यहाँ पे स्नो कब, कह रहे कि नेक्स्ट मंथ में स्नो हो जाएगा, सितंबर में यहाँ पे बर्फ हो जाएगी, और ये रोड क्लोज नहीं होता, यहाँ पे हर जगह बोर्ड आ जाता है कि भाई ड्राइव स्लो बिकॉज आइस पे आप ड्राइव कर रहे हो। दिस रोड नेवर क्लोज? नेवर क्लोज। ओ भाई क्या जबरदस्त है यार, कभी रोड बंद ही नहीं होता, ये पूरे पूरे साल खुला रहता है, और स्नो अगले महीने में भाई, एक महीने लेट आते तो स्नो एक्सपीरियंस करने को मिल जाता भाई। ठंड अभी भी है, उतनी नहीं है लेकिन हाँ है। ये देखो यहाँ पे पीक पे अभी भी आपको ना स्नो और ग्लेशियर्स दिख जाएंगे भाई, बहुत ऊंचा है, मतलब कैमरे में 5x पे आपको ऐसा दिख रहा है, बहुत बहुत दूर है। अभी देख लो कैसा कहाँ पे है वो। पे सामने देखो पहाड़ पे क्या बर्फ है यार, बहुत तगड़ा। और आपको दिखा दूं भाई, ये अपना फ्यूल स्टेशन है, यहाँ पे 0 degree -20 degree का डीजल मिल रहा है, और 92 और 95 पेट्रोल मिल रहा है। सामने उसी के सामने ना खाने पीने का भी सामान है उस बिल्डिंग में, और यहाँ पे हमारी सारी गाड़ी पार्क्ड है। ट्रक के लिए काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस है, तो बड़े बड़े जो ट्रेलर्स है ना वो यहाँ पे पार्क्ड हैं। हम पहले आ गए थे, बाकी सारे लोग भी आ गए, एक बायो ब्रेक के लिए यहाँ पे रुके हैं, मतलब हाईवे पे नहीं रुकने का ये रीज़न था कि हाईवे पे 7-8 गाड़ियाँ एक साथ जब रुक जाती है ना तो पूरा जैम जैसा लगने लगता है, और फिर सब लोग देखने लगते हैं। तो अपन जब कुक भी करेंगे ना तो यहाँ पे बहुत जगह, अलग अलग जगह पे वी कैन स्टॉप, एंड यहाँ पे अच्छे से खाना बना भी सकते हैं हम, बिकॉज यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। बाकी ठीक है, गाड़ी अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है, डीपीएफ रीजनरेशन का कोई इश्यू नहीं आ रहा है, जो कि पहले आ रहा था, वो एल्टीट्यूड या टेम्परेचर की वजह से, या इंजन टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, जो भी है। टोयोटा को मैंने अपडेट कर दिया था, अभी यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, अभी एक बार सब लोग आ जाते हैं। तो हमारे साथ दो गाइड है, एमी एंड मैम तो हमारे साथ बैठी है। हेलो एमी। जैसे अपने कंट्री में फिरंग आते हैं तो फोटो नहीं खिंचवाते, वैसे भाई फोटो खिंचवा रहा था, भाई खिंचवा लो खिंचवा, मैंने कहा खिंचवाओ भाई कोई टेंशन नहीं है, कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए निकालते हैं भाई। एक बायो ब्रेक अपना हो गया, अब यहाँ अब आगे चलते हैं, अपन ही चलते भाई आगे, ठीक है। 68 किलोमीटर के बाद अपन रुकेंगे, जो दूसरा ऐसा आएगा ना, एक तो 20 किलोमीटर में ही आ जाएगा और एक आएगा 68 किलोमीटर, सो वहाँ पे रुक के लंच के लिए लंच प्रिपेयर करेंगे।
तो इतने अच्छे है ना, बट रोड्स पे अरे देख लो लोन वाले का फोन आ गया, नहीं चाहिए भैया चाइना में लोन नहीं चाहिए। तो रोड्स इतने अच्छे है ना और दोनों साइड ऐसे नज़ारे, आपको ना मतलब आप बोर नहीं होते हो यार, और लैंडस्केप इतना डिफरेंट है ना। अभी हमें ना थोड़ी देर पहले तक ना माउंटेंस दिख रहे थे जो स्नो से कवर्ड थे, मतलब उनके पीक पे स्नो था, और अभी देखो यहाँ पे ना ग्रीन ग्रीन से माउंटेंस हो गए। हाँ, और जो स्ट्रक्चर भी है कितना डिफरेंट है यार, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम हार्श, एकदम सॉफ्ट वाले माउंटेंस भाई, दोनों साइड वैसा ही है, देख लो दोनों साइड आपका वैसा ही है, जबरदस्त यार। Are you liking the songs? Every songs. Yeah, you liking what we are playing? Yes. Okay. Every okay. Not getting bored, na? Not. Okay. Thank you. ये road दिख रहा है सामने, और उसके बाद देखो ये road कहाँ से ऐसे turn ले रहा है, भाई क्या जबरदस्त है ना, मतलब turn लेके क्या जबरदस्त highway दिख रहा है, और दूर दूर तक पूरा plateau है यार, पूरा plateau है, बहुत ही जबरदस्त। और जहाँ पे पहाड़ है वहां पे टनल खोद दिया गया है। अपन पहुंच गए दूसरे फ्यूल स्टेशन पे, बेसिकली ये तीसरा फ्यूल स्टेशन है, और यहाँ पे अपन लंच प्रिपेयर करेंगे, मतलब जो जिनको भी लंच प्रिपेयर करना है वो करेंगे, हम तो खाने वाले हैं ना, हम तो खाने के लिए अभी तो गाड़ी के अंदर ही बैठे भाई, मस्त बाहर गर्मी है यार, यहाँ पहाड़ों की गर्मी आपको पता है ना, पहाड़ों की गर्मी अगर आप ना अंदर बैठे रहो और एसी ऑफ करके बैठोगे ना तो बहुत तगड़ी गर्मी लगने वाली। मैं पता है क्या कर रहा हूँ, पीछे से वेंट का फ्लो अपनी तरफ कर रहा हूँ, पीछे से वेंट का फ्लो आगे की तरफ, एसी का हवा वेस्ट नहीं जाना चाहिए भाई, हम इंडियंस हैं, हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते, एसी अगर चल रहा है तेल पी रही है गाड़ी तो हवा पूरा लगना चाहिए भाई। ये नमक पारे लिए हैं, ये चाइनीज नमक पारे हैं, नमक पारे हाँ ठीक है, बेसिकली निमकी। हाँ इंद्राज रसम एंड राइस, सो विल हैव रसम राइस टुडे। सर नहीं राख बे किधर ले, इसका मतलब के हार्ड है। नींद आ रही थी तो मैं यहाँ पे ना पानी गर्म कर रहा हूँ, और कॉफी मैंने इसमें डाल लिया ऑलरेडी, तो ये कप जो मैं कॉफी पी रहा हूँ ना तो वो यूटिलाइज हो जा रहा है, इसको साइड में रख लेता हूँ अदरवाइज ये गिरेगा। ये देखो वापस से रेलवे लाइन अपने बगल में आ गई, पैरेलल आ गई, बीच में गायब हो गई थी, अब वापस से अपने पैरेलल आ गई, बट इसमें कोई ट्रेन नहीं जा रही यार, एक ही ट्रेन दिखी मेरे को हरे रंग की, ठीक है वो भी ये, अच्छा ये ना नॉर्मल रेलवे लाइन है, ये बुलेट वाली नहीं है, चाइना में बुलेट ट्रेन का बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा, बट वो मेन लाइन चाइना में है, तिब्बत में नहीं, क्योंकि ये रीज़न भी ऐसा है ना कि अभी हम 12-13,000 फीट पे हैं, तो मिला जुला के ये जो लाइन है वो नॉर्मल रेल के लिए। मैं बता रहा था कि भाई अपने यहाँ अगर ऐसे रोड बन गए ना, लॉन्डे ड्रैग रेस लगा लगा के कि चलो भैया ड्रैग रेस लगाते हैं, मुंबई एक्सप्रेसवे पे मार स्टंट भाई, एक्सप्रेसवे पे इस तरह के रोड मिल जाए ना तो पगला जाएंगे भाई। तो ये वाला कप ना मैंने 2 दिन पहले कॉफ़ी पी थी तो उसको मैंने रखा हुआ था, क्योंकि मेरे पास ना प्लास्टिक के कप्स नहीं है, और ये हो गया जी हमारा पानी गरम, और हम पियेंगे ब्लैक कॉफ़ी क्योंकि हमें आ रही है नींद, तो पानी को या गुड कॉफ़ी, यू वांट कॉफ़ी? नो थैंक यू। ओके डिड यू लाइक द फूड, डिड यू लाइक राइस एंड रसम? यस। ओके वाजंट इट टू स्पाइसी फॉर यू? No, I'm not spicy girl. Okay. चलो भाई कॉफ़ी अपना हो गया रेडी, अब इसको अंदर रख देते हैं क्योंकि जब आगे बनाना होगा तो इसी में बना लेंगे। और भाई एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ रेल के बारे में, कि अब देखो विंटर में तो यहाँ पे सितंबर से बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो अब भैया जब रोड पे बर्फ़ पड़ेगी तो रेलवे लाइन पे भी बर्फ़ पड़ेगी, और रेल के लाइन पे फ्रोजन नहीं हो इसलिए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ना हीटर लगा हुआ है, ठीक है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हीटर लगा हुआ है ताकि वो लाइन को गर्म करे और बर्फ उस पर टिके नहीं और बर्फ मेल्ट हो जाए, राइट?
ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ದ ಬರ್ಫ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ದ ಸ್ನೋ ಸ್ನೋ ಐಸ್ ಹಾ ಭಾಯಿ ದೇಖ ರಹೆ ಹೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಭಾಯಿ ರೇಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಪೆ ಹೀಟರ್ ಲಗಾ ದಿಯಾ ಗರಮ ಲಗ ರಹಾ ಠಂಡಾ ಲಗ ರಹಾ ಸಾಲಾ ಲಾ ಕೆ ರೇಲ್ ಕಾ ಪಟರಿ ಪಕಡ ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೈ ತೋ ಭಿತ್ರಾಮಪುರ ಔರ್ ಗರಮ ಹೈ ತೋ ಮಜಾ ತೋ ಆಯೇಗಾ ಹೀ ಭಾಯಿ ಕ್ಯಾ ಲೇಕಿನ್ ಕ್ಯಾ ದಿಮಾಗ ದೇಖ ರಹೆ ಭಾಯಿ ಹಾ ಕೆ ರೇಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಪೆ ಹೀಟರ್ ಲಗಾ ದಿಯಾ ಕೆ ಸಾಲಾ ಬರ್ಫ್ ಹೀ ನಹೀ ಜಮೆ ಉಸ್ ಪೆ ಸಾಲಾ ಫ್ರೋಜನ್ ಹೀ ನಹೀ ಹೋ ತಗಡಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ ಗಯಾ ये देखो ये मैप है ठीक है और इस पे ना अभी हम सेंटर लेन पे हैं हाँ अभी नहीं इसमें तो सेंटर नहीं दिखा रहा है भाई जैसे लेन चेंज करेंगे ना देखे अभी मैं ना इस लेन पे हूँ ठीक है तो देखो मैप में ना सबसे किनारे वाले लेन पे दिखा रहा है अब मैं ना सेंटर लेन पे आ जाता हूँ ये देखो सेंटर या वो लेन चेंज कर लेगा भाई यहाँ का मैप लेन चेंज कर लेगा Yeah, but it works most of the time. It works because most of the time. On, yeah. भाई देख रहे हो तगड़ा चीज भाई बाकियों से तो हम काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं यार मतलब हाँ 130 140 ऐसे करके मेंटेन कर रहे हैं रोड्स बहुत अच्छे हैं और ज्यादा ट्रैफिक नहीं है बाकी एक ही गाड़ी हमसे सबसे आगे है तो अभी उस गाड़ी के पास पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं फिर पता है क्या करेंगे फिर वहां पे पहुंच जाएंगे फिर सबका वेट करेंगे गाड़ी में एसी ऑन करके सो जाएंगे हाँ पावर नैप इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ड्राइविंग लॉन्ग जबर नजारे दिस इज जबर नजारे हाँ भाई गजब सुंदर है यार गजब सुंदर है एक ट्रेन जा रही है आगे लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे 120 के स्पीड लिमिट पे चल रहे हैं ना ट्रेन थोड़ा लगता है तेज चल रही है हाँ वेरी ब्यूटीफुल ना sure amazing दिस इज अमेजिंग यार भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा आप इधर देखोगे ना साला खुला जमीन यार खुला जमीन हाँ प्लॉट काट दो यहाँ पे गुड़गांव रहता तो यहाँ पे बिल्डिंग बना देते तगड़ा वाला हाँ DLF VLF यहाँ पे आ जाती MR DLF बिल्डिंग मॉल्स वॉल्स बना के एकदम कुल 119 पे क्यों बज रहा भाई अब तो मैं पूरा स्पीड लिमिट में ही चल रहा हूँ ट्रेन देखना है यार मेरे को एक आगे ट्रेन जा रही है कितनी नादान मैं मेरे हसन पल में मैं पिघल जाऊं ये सामने एग्जिट है अब हमें बाकी गाड़ियों का वेट करना पड़ेगा बिकॉज इस एग्जिट को हम लेके ये हाईवे खत्म हो गया भाई यहाँ पे अब जो हमारा डिस्टेंस बचा है हाउ मच 149 किलोमीटर ऑन बैड रोड्स मसाज रोड अच्छा यहाँ बैड रोड को मसाज रोड बोलते हैं भाई ये बैड रोड्स पे 149 किलोमीटर चलना है बट ये दिखा रहा है 2 घंटे में पहुंच जाएंगे टू आवर्स इट सेम्स बट वी गोइंग टू सी ओके टू आवर्स लेफ्ट ना टू आवर्स 32 minutes आई थिंक अबाउट थ्री आवर्स लेट देम कम इट्स शोइंग रेड इज बिकॉज हियर टोल एवरीबॉडी इज स्टॉपिंग ये गाड़ी अभी हेलो एवरीवन दिस इज एमी स्पीकिंग आई हैव बॉट ऑल योर पासपोर्ट बिकॉज लेटर वी विल हैव अनदर चेक पॉइंट So, Amy, you said you are going to keep all the passports, am I? Yes, I will keep your passport. Have you heard Sidhu Moosewala? Sidhu Moosewala. He's legend. He's a legend. He's no more. But he's a legend. He's a singer? Yeah, he's a very, very famous singer. Maybe. But, yeah, he's no more. But he's like... You know, he's like legend in India. Legend, yeah. The most famous. Yes, very famous Punjabi singer. Okay. Very famous. He's... Again, picture. Yeah. Sidhu Moosewala. ये हाईवे यहाँ पे खत्म हो जाता है अब यहाँ से हम उतर के जो नेशनल हाईवे नॉर्मल वाला रहता है ना उस पर हम चढ़ जाएंगे और 150 किलोमीटर तक उसी रास्ते पे चलना है चलो अच्छा था यार इस हाईवे का एक्सपीरियंस अच्छा था बस पेट्रोल पंप का ये था कि 4 बार यू स्माइल के पेट्रोल पंप्स आए थे बट पेट्रोल पंप वगैरह तो सब सही था बट थोड़ा सा वॉशरूम का इश्यू था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बाकी यहाँ से ठीक है 148 किलोमीटर्स यहाँ पे बाइकर्स को फिर से फ्यूल लेने के लिए फिर से क्या वहाँ पे तो उनको फ्यूल मिला ही नहीं था तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा
और ये भी यूज पाइल का ही पेट्रोल पंप है, तो अपन तो साइड में गाड़ी लगा लेंगे क्योंकि अपने को तेल चाहिए नहीं भाई। भाई बाइकर्स की ज़िंदगी में कितना परेशानी है, बाइक यहाँ लगाए और यहाँ पे ना कनस्ती मिलती है ये, ठीक है, इसमें जितना आपको तेल चाहिए ना वो ले जाओ और जाओ दूर अपनी बाइक में जाके डालो भाई। जैसे इंडिया में अपने पेट्रोल पंप पे बाइक वाइक लगा के तुरंत सामने तेल भर लेते, यहाँ पे वैसा नहीं है भाई। देखो भाई मेन स्टैंड पे अभी लगाएगा और उससे फ्यूल डालेगा, वो जो सामने दिख रहा है ना ये वाला, ये मिलता है पेट्रोल पंप पे यहाँ पे। थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है यार, बाइक यहाँ पे बहुत कम है ना तो इसलिए थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है। देखो भाई कितना हार्डशिप है ना लाइफ पे, हाँ ऐसे 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 डालना पड़ता है भाई, इसमें पेट्रोल गिरेगा भी, ये देखो। और दूसरा भाई को भी देखो, वो भी अपना कनस्ती लेके आ रहा है, जिसको जितना फ्यूल चाहिए जो चाहिए भैया ले जाओ अपने बाइक पे, उधर जाके डाल लो भाई। देखो हिंदी गाने बज रहे हैं यार यहाँ पे, मीन चुराई मैंने, नहीं मीन चुराई तूने, भाई तगड़ा है, भाई तगड़ा है, हिंदी गाने बज रहे पेट्रोल पंप पे। अरे भाई साहब सभा बांध दिया, दे आर प्लेइंग हिंदी सॉन्ग्स, दे आर प्लेइंग बॉलीवुड सॉन्ग्स, दे आर प्लेइंग बॉलीवुड सॉन्ग्स, या 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 to welcome you. Oh, that's so sweet of them. Did you ask them to play or they were playing as a normal? They did by themselves. Did by themselves? Yeah. Oh, that's so sweet. the girl, she's very kind. Maybe she must have noticed that we are Indians and she played a Hindi song. And many Tibetan people in the children time, they have been to India for a few years. Okay. Some of them can speak Indian. Oh, wonderful. Mast Hindi gaane baj rahe hain. आपने बजवाए के? नहीं नहीं देख के खुद ही से बजा दिया। अरे वाह, अभी खुश हो गया, बोला कहीं तो इंडियन सुनने मिला। सही बात है यार, मजा आ गया। लेकिन Oh, they have stopped again. छट गया दिल का रे घरंदा। So अभी हम G109 को फॉलो कर रहे हैं, पहले G318 पे थे, अब G109। भाई यहाँ पे काम चल रहा है तो इधर से भी गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा साइड लेके भग लेते हैं। हाँ बह जाए बूंद बूंद, बह जाए बूंद बूंद, करूं बंद बंद। भाई हर हाईवे एक से बढ़कर एक है यार, वो एक्सप्रेसवे पे कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पे देखो याक्स, कितनी सारी याक्स है, तिब्बतन याक्स, कितने फर है इनके। और ये सामने देखो भाई, क्या मतलब 0.5 करता हूँ भाई, एकदम प्ले टू सा, एकदम प्ले टू सा, और पूरे यॉर्क्स है और ग्रीन है। क्या कसूर है मेरा, ऐसे अनडिवाइडेड रोड्स हैं, बट सीरियसली यार रोड्स इतने ज़बरदस्त है ना, मतलब अभी तो मैं 85-90 पे चल रहा हूँ, बीच में तो मैं 150 पे भी चल रहा था, यहाँ पे ओ हो लुक एट इट, एक पुतला बना हुआ था भाई। भाई यहाँ पे ना बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ ऐसे ना खड़ी रहती है, मतलब वो ना टूटी फूटी वाली गाड़ियाँ पुलिस, और उसके अंदर कैमरा लगा रहता है भाई, ऊपर सोलर पैनल है। मैंने बहुत सारी गाड़ियों में ध्यान दिया भाई, हिडन कैमरा, मतलब पुलिस की गाड़ी के अंदर हिडन कैमरा। बस 3.7 किलोमीटर्स एंड हम अपने होटल पे पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली ये शहर तो मुझे कोई शहर जैसा नहीं लग रहा है, छोटा सा गांव जैसा है। और यहाँ पे ना मतलब जैसे आप हानले वानले जाते हो ना, या पदुम जाते हो, ठीक है, एग्जैक्टली वैसा ही है। 4,700 ओके, ठीक है, 4,700 भी बहुत होता है भाई।
भाई जस्ट 5 मिनट अपने होटल को, और होटल में अपने ऑक्सीजन भी है ऐसा मैम बता रही थी. डिड यू लाइक द ड्राइव? डिड यू लाइक हाउ वी ड्रोव? मजेदार ना, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से. अरे भाई ये ट्रक किधर क्यों आ रहा है हमारी लेन में? हम पहुंच गए अपने होटल पे, ये हमारा होटल है, और होटल पे पहुंचते के साथ ही भाई लैंड क्रूजर को अलग सा अटेंशन मिल रहा है. ठीक है, सब लोग अंदर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड स्टीयरिंग का क्या फंडा है. चलो अच्छा है भाई, हाँ मज़ेदार भाई, बहुत तगड़ा अटेंशन मिलता है. अभी बैग निकालते हैं अपना, एक ही बैग ले जाएंगे, दैट्स इट, और एक लैपटॉप बैग, या बाकी कर दो जी बंद. बाकी भाई ठंडा है यहाँ पे, ठंड है, देख रहे हो अभी भी सब लोग साइड में कैसे देख रहे हैं. गुड गुड, ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. यू लाइक इट? लैंड क्रूजर लासा, लैंड क्रूजर, लैंड क्रूजर, या लैंड क्रूजर, लैंड क्रूजर 300, या दिस इज रैप. वी आर ड्राइविंग फ्रॉम इंडिया टू लंदन. वी आर ड्राइविंग, ड्राइविंग नहीं है कि लैंड क्रूजर यहाँ पे है नहीं, बट लैंड क्रूजर पे ऐसा रैप है ना कि सब लोग इसको देख के ना भाई मनमोहित हो जाते हैं, मुग्ध मुग्ध एंड मनमोहित. अभी भी पिक्चर, ओके ओके. इंडिया का टाइम नहीं दिखा रहा क्या भाई? भाई होटल तो तगड़ा लग रहा है भाई, ब्यूटीफुल होटल. या गाड़ी हमारी सामने ही लगी है, आई होप सब चीज़ सेफ हो. अरे हमारी गाइड कहाँ गई? हाय हाय निहाओ. भाई थोड़ा सा मॉल जैसा लग रहा है, मतलब होटल का मॉल ज़्यादा. और अभी भी मेरा रूम का जो नंबर है 8315, तो बेसिकली थर्ड फ्लोर पे 15 नंबर रूम. हाँ रूम में ऑक्सीजन ऑन करना पड़ेगा ऐसा मैम बता रही थी अपनी गाइड. खुलो ना भाई, खुलो मेरे, खुल भी जाओ. अबे ओ साला इधर से खुल रहा है, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अबे इधर से खुल रहा था, अबे खुल जा भाई, खुल जा खुल जा. ओपट ओके, ये है भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए. ये ऑन कैसे होता है भाई? एसी चलाओ यार, पहले गर्मी लग रहा है साला. ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो ठीक है, एसी चलाओ भाई पहले. भाई एक चीज़ दिखाओ भाई, ये जो लाइट है ना, ये जो ऑपरेशन थिएटर में नहीं लगता बड़ा बड़ा साला, इसके नीचे इतनी तेज़ गर्मी आ रही है, इतनी तेज़ गर्मी. वॉशरूम अच्छा है बट इस लाइट के नीचे बैठ के आप भाग नहीं सकते. मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, जल जाएगा जो जो सामान एक्सपोज है ना, जैसे साला यूवी रेज आ रहे हैं ऊपर से. गीज़र वीज़र तो लगा हुआ है ठीक है, और यहाँ पे एक अपने को पानी गर्म करने के लिए ये भी दिया हुआ है, लेकिन साले पानी नहीं देती है. हाँ 3 युआन का पानी खरीदा था मैंने सुबह, 3 युआन 37 रुपीज़, साला 37 रुपीज़ का 550 ml. और ये देखो ये अलग सा टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगाया, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए लगाया. मेरे को तो पहले बताया गया कि भाई पहले ये मॉर्चरी था, डेड बॉडीज़ रखते थे, और ये था ऑपरेशन थिएटर, इसलिए इसमें इतना बड़ा लाइट लगा रखा है. पहले यहाँ डॉक्टर्स जो नए नए होते थे ना, वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते थे, बंदे मारते थे. ठीक है, पहले बंदे मार देते थे, फिर इधर जाके उनका एटॉप्सी, एटॉप्सी कहते हैं ना वो चीर फाड़ करने को जो लास्ट मोमेंट पे करते हैं, एटॉप्सी करते थे, मतलब वो पोस्टमार्टम. ठीक है तो चलो ठीक है, बैगवती को मैंने उधर डाल दिया, अब बैगवती को खोल के हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे. लेट्स नॉट ब्रेक द रिचुअल्स. बाकी आप बता रहे हैं ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो जब थम्स अप चैनल पे, नहीं तो डू सकते हैं चैनल. अगर आपको नहीं पता तो हम निकले हैं भाई लंदन के लिए, और हम ड्राइव कर रहे हैं लंदन, तो बहुत ही अमेजिंग ड्राइव होने वाली है. चाइना के फिलहाल तिब्बत रीजन में है, और यहाँ पे आज रात हम नाइट स्टे करेंगे 4700 meters के एल्टीट्यूड पे. तभी इतना तामझाम है भाई, बैग खोलो और काम पे लग जाओ, गधा मजदूरी भी तो करना है.